हेलो एवरीवन, झारखंड पीजीटी की बात करेंगे क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका कैलेंडर आपको मिला हुआ है। एक्सपेक्टेड डेट वही है जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। तो मैथमेटिक्स में हम किस तरीके से अपनी तैयारी को और भी अच्छा बना सकते हैं और यहाँ से हमको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको आज थोड़ा सिलेबस को भी शॉर्ट कर दूंगा और लास्ट में मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर यहाँ से आप आगे बढ़ते हो इसके अकॉर्डिंग तो आपको काफ़ी हेल्प होगा और काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा, एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाएंगे। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए, काफ़ी आपको फ़ायदा करेगा। राइट, तो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे झारखंड पीजीटी मैथ का लिया है, ठीक है, कि झारखंड पीजीटी मैथ में अगर हम लोग देखें तो इसका जो एक्सपेक्टेड डेट आपको जो है अकॉर्डिंग टू कैलेंडर है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। वो क्या है, वो है आपका जो लिखा हुआ है वो है 2 जुलाई। राइट, अब कुछ लोग बात कर रहे थे और कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि क्या पहले भी एग्जाम हो सकता है, तो भाई पहले कभी नहीं होगा, ठीक है, ये सब फालतू का न्यूज़ पे मत पढ़ा कीजिए। जो आपको कैलेंडर दे रखा है ना 2 जुलाई 2023, इसी के आसपास एग्ज़ाम होगा, ठीक है। थर्ड वीक मेरा जो है एक्सपेक्टेड है कि थर्ड वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ओके, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हमको इसको इसी के अकॉर्डिंग लेके चलना है। तो आज देखो, आज अबाउट आपका जो है 20 मई है, तो यहाँ से हम लोग देखें अगर 19-20 मई से लेकर के ना, तो हमारे पास में कम से कम अभी क्या है 50 डेज़ है, ठीक है, और 50 डेज़ है। इसके अलावा अगर कुछ एक्सटेंड होता है तो आपको कुछ जो है प्लस आपको डेज़ मिल जाएंगे, बट यहाँ से आपके पास में 50 डेज़ है। तो इस 50 डेज़ में अब हमको यहाँ से तैयारी कैसी करनी चाहिए, तो दोनों के लिए बात कर लेंगे, जो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और ऐसे मैक्सिमम लोग तो पढ़ते आ रहे हैं, जो है पुरानी वैकेंसी है ये, सेप्टेम्बर आसपास में ही इसका लास्ट ईयर आया था वैकेंसी, तो वहाँ से आप स्टडी कर रहे हो तो बहुत लोगों ने सिलेबस कवर कर रखा है, तो उसको क्या करना है, ठीक है, और जो यहाँ से कर रहे हैं वो, या रिवीजन अगर आपका पर्पस है तो क्या, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करूँगा ना, टॉपिक वाइज MCQ जो बता देता हूँ। अब देखो, मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप सिलेबस पूरा कवर करो, ठीक है, बट सारे ही MCQ जोन नहीं होते, ठीक है, जहाँ से MCQs ज़्यादा आते हैं अगर आप उसको भी करके जाते हैं तो इससे आपका सिलेबस भी शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, और आप रिवीजन पर्पस से या उसको अगर आपको बहुत पॉलिश करना है तो आपके लिए ईजी हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, जो आपको कंप्लीट सिलेबस दे रखा है, ठीक है, सिलेबस आपने देखा होगा, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, उस सिलेबस में मैं क्या करूँगा, अब फिल्टर कर दूंगा, ठीक है, और फिल्टर करके मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो MCQs जोन होंगे, जहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन सियोर होगा, ठीक है, सियोर, ठीक है, जो क्वेश्चन होगा, तो जो सियोर क्वेश्चंस के चांस है ना, तो उसको मैं यहाँ से अलग कर दूंगा, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये इजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सिलेबस है मैथमेटिक्स का, राइट, और लीनियर अलजेब्रा से ये स्टार्ट हुआ है। तो मैं आज आपको जो है हाईलाइट कर देता हूँ कि आपको किसको पढ़ना चाहिए। देखो, वेक्टर स्पेस से क्वेश्चन आएगा, लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस, काफ़ी सिंपल चीज़ है, क्वेश्चन यहाँ से आता है, सब स्पेस, ठीक है, उसके बाद बेसिस, डायमेंशन, तो इससे आपको क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल आपको करना है। आप चाहो तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को छोड़ दो, बट ये कोई नहीं, बस डायमेंशन अगर फाइनाइट होता है तो उसी को लेकर के होता है, तो ये भी एक्चुअली बहुत ईजी है, बट चलो इसको आप कर लो। अगर आप मैट्राइसिस की बात करेंगे तो आपको पहले कुछ बेसिक मैट्रिक्स जरूर आपको उसका प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, लाइक साइमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू साइमेट्रिक क्या होता है, आइडियम्पोटेंट क्या होता है, नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, ये सब आप जान लेना, उसी के अकॉर्डिंग आपको डिटर्मिनेंट उसका आना चाहिए, ट्रेस वगैरह क्या होता है, ठीक है, सब मैंने आपको बताया है तो इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ। फिर आप देखोगे यहाँ पे कैले हैमिल्टन थ्योरम आ जाएगा, ठीक है, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, बिल्कुल स्योर क्वेश्चन है, बिल्कुल स्योर, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आप जो रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, रो रिडक्शन करते हो, उसको इक्वेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, रैंक फाइंड आउट करते हो, ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आने वाला है, बाकी को मैं स्किप कर दे रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ मेरे को इंपॉर्टेंट चीज़ें पे बात करना है, तो लेकिन इससे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी को आप पढ़ लोगे ना, तो बाकी को अगर आप छोड़ते हो और अगर क्वेश्चन आता भी है तो एक ही क्वेश्चन आएगा, तो आपको लॉस नहीं है, और जो इससे आने वाले 95% क्वेश्चन है, ठीक है, जो 90% चांस है जहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो वो यही फील्ड है, इसको आप अच्छे से कर लो, बहुत इजी है। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, वेक्टर स्पेस, लीनियर डिपेंडेंस, आप आज पढ़ने बैठोगे ना तो 2 दिन में कर लोगे आप, ठीक है, बस लोग देख के बस घबराते रहते हैं कि इतना इतना सिलेबस है कैसे करेंगे, भाई घबराने से कुछ नहीं होता, ठीक है, जो लगते हैं उनसे बहुत जल्दी हो जाता है, तो पढ़ेंगे तब तो मज़ा आएगा। मैंने आपको सब कंटेंट दे दिया है, पहले तो टेंशन होता था कि भाई कंटेंट नहीं है, क्या पढ़ना है, क्या कैसे पढ़ना है, भाई मैं आपको सब बता रहा हूँ, कंटेंट भी दे रहा हूँ, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब दे रहा हूँ, भाई अब इसको पढ़ लो, मैं आपको श्योर बता रहा हूँ कि बहुत ही, मैं अभी जो आपको अंडरलाइन किया है ना, यहाँ से आपका लगभग 10 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा,
और 10 क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है आपको पता है, ठीक है, इस तरह के 10 श्योर क्वेश्चन, ओके, तो इसको आप कर लो। नेक्स्ट फिर देखो नंबर 2 यहाँ पे कैलकुलस यहाँ लगा हुआ है, तो कैलकुलस की बात करेंगे। कैलकुलस में आप देखोगे तो देखो रियल नंबर्स, ये आपको पहले से आइडिया याद रखोगे, ठीक है, बाउंडेड सेट या पहले से जानते हो, ओपन क्लोज सेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन एंड क्लोज सेट, राइट, इससे क्वेश्चन आता है, इसको आप देख लो, ठीक है। लिमिट इसको आप पहले से देखते आ रहे हो, इसमें क्लास 12 लेवल का भी क्वेश्चन आ सकता है, मीन वैल्यू थ्योरम, डिफरेंशिएबिलिटी, टेलर्स थ्योरम, ठीक है। टेलर्स थ्योरम देखो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो है डायरेक्टली से क्वेश्चन आएगा ये जरूरी नहीं, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है, मतलब वही लिमिट वाला केस होता है, मैक्सिमा मिनिमा एजम पटोर्स, राइट। इसके बाद आप देखोगे कि मोर देन वन वेरिएबल के लिए कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, पार्शियल डेरिवेटिव्स, मैक्सिमा मिनिमा, ओके, ये आप देख लेना। इसके बाद इंडिफिनिट इंटीग्रल, ये आप क्लास 12 से देखते आ रहे हो, ठीक है, उसी में आप देख लेना बीटा और गामा फंक्शन डेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डबल ट्रिपल इंटीग्रल कोई मुश्किल होता नहीं, इसको आप देख लेना। तो देखो बस यही, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं मैं उसको ले रहा हूँ, ठीक है, मैं आज उठा रहा हूँ ना जहाँ से 80 से 90% क्वेश्चन आएंगे, मतलब बाकी को आप छोड़ते हो और अगर क्वेश्चन आता है तो एक या हार्डली 2 क्वेश्चन होगा, बिल्कुल रिस्क नहीं होगा आपके लिए, ठीक है, कोई भी 100% क्वेश्चन करके नहीं आता, ना ही उतना टाइम होता है और ना ही उस तरह से किया जाता है, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन सेट किया जाता है कि जो 100 करने जाएगा वो क्या करेगा, वो अंदाजी ऑप्शन को टिक करके आएगा, ठीक है, तो उसकी जो है रैंक घट जाती है, जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसका मार्क्स काफ़ी कम हो जाता है। तो आप तो ऐसे भी, जैसे मान लो मेरे पास में 150 क्वेश्चन है, ओके, अगर मैं 150 क्वेश्चन का एग्जाम देने जा रहा हूँ तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो कट ऑफ है वो क्या है, वो हार्डली अगर जाएगा तो 100 क्वेश्चन जाएगा, ठीक है, हार्डली अगर गया तो, पिछले बार 75 क्वेश्चन में हुआ था, तो 90 क्वेश्चन में इस साल भी आप सिक्योर रहेंगे, क्योंकि इस बार टाइम ज़्यादा मिला है, ठीक है, तो 90 क्वेश्चन बहुत सिक्योर है, और 100 क्वेश्चन तो कुछ कोई नहीं जाता, तो अगर आप 85 से 90 क्वेश्चन करके आते हो तो आपका बिल्कुल होगा, ठीक है, परेशान नहीं होना, जनरल कट ऑफ में बात कर रहा हूँ, ओबीसी एसटी एससी तो और भी कम जाएगा, राइट, तो ये जो है ना इजीली आप कवर कर सकते हो, ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आसानी के साथ में आपको ये 100 क्वेश्चन तक कवर करेगा, ठीक है, 100 प्लस क्वेश्चन कवर करेगा। तो ये मैंने देखो कैलकुलस का फिल्टर कर दिया, आप इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे एनालिटिक ज्योमेट्री की बात करेंगे, तो एनालिटिक ज्योमेट्री में हम लोग देखें तो कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है, इससे पिछले बार भी क्वेश्चन आया था, कन्वर्शंस का क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आप देखोगे 2 और 3 डायमेंशन में पूछा है, ठीक है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन 2 एंड 3 डायमेंशन, तो सेकेंड डिग्री इक्वेशंस तो आप जानते ही हो 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में क्या होता है, सारा कॉनिक्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है, तो इस हिसाब से आपका कॉनिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, इलिप्स है आपका, पैराबोला है, राइट, तो उधर पैराबोलाइड है, लेकिन पैराबोलाइड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराबोला है, फिर आपका इलिप्स है, हाइपरबोला है, तो इस इनसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पे कि शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है, ये 3 डायमेंशन का स्ट्रेट लाइन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्वायर लाइंस, आप क्लास 12 में पढ़ चुके हो, स्फीयर देख लेना, कोन और सिलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं उसको टिक नहीं कर रहा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिससे बिल्कुल क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं उसी को अभी यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो भाई इतना आप पढ़ लो, ठीक है, ये बहुत ईजी है, मैंने जो किया ना, एक्चुअली मैंने सब टफ वालों को यहाँ से हटा दिया था, ठीक है, तो सिर्फ आपके पास में ईजी पोर्शन बचे, आप इसकी बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन बिल्कुल इससे पकड़ में आ जाएगा, राइट। फिर देखते हैं इसके बाद देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा देखिए लास्ट बार ना इसे 12 से 13 क्वेश्चन आया था, वजह क्या है, देखो ये 12 का जो है क्लास को टच करता है, मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं, फिर आपको जो है 3D जो है प्लेन और लाइन से भी क्वेश्चन आता है, तब आपको यहाँ पे ये देखना है ना कि एक्चुअली इससे क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए भी डाला जाता है कि ताकि एग्जाम को बैलेंस किया जाए, क्वेश्चन के लेवल को बैलेंस किया जाए, ठीक है। आप जब उधर प्योर मैथमेटिक्स देखते हो तो किसी के लिए प्योर मैथमेटिक्स काफ़ी टफ होता है, तो उसके लिए फिर इधर के पोर्शन थोड़ा ईजी हो जाते हैं, राइट। मैं अभी लास्ट में सब कुछ बात करने वाला हूँ, आप इसको देख लो। नेक्स्ट है देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन कौन सा हो सकता है, तो आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, अंडरलाइन कर देता हूँ, फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 से आता है ये, ऑर्डर एंड डिग्री क्लास 12 से आता है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री क्लास 12 का है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्लास 12 का है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, ठीक है, ये क्लेरेंट्स इक्वेशन हो गया, ये सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ये सब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप देखोगे थोड़ा हायर ऑर्डर में चले जाओगे आप, तो हायर ऑर्डर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मतलब मैं आपको जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, एक दो क्वेश्चन सबसे ही रहेंगे, ठीक है, पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना, और आयलर कुशी इक्वेशन, मतलब ये जो अभी मैंने टिक किया ना, ये नीचे वाला खास करके,
यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि दो क्वेश्चन श्योर है, बिल्कुल श्योर, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसको हम अच्छे से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सिंपल होता है। इसके बाद अगर आगे अब चलोगे तो फिर आप देख सकते हो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट, ठीक है। ये जो वेरिएबल कोएफिशिएंट है ना, इसमें याद रखना कि इसमें इससे क्वेश्चन एक ही आएगा। आप चाहो तो इसको पूरा स्किप कर सकते हो, चाहो तो पढ़ लो, ठीक है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन आएगा, राइट, पूरा पढ़ने से। तो आप उस हिसाब से स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हो कि एक क्वेश्चन के लिए पूरा क्यों पढ़ा जाए, बिल्कुल आप छोड़ सकते हो, ठीक है। इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने पहले भी मेथड ऑफ वेरिएशन और पैरामीटर पढ़ाया, तो एक बार रिवीजन भी कर लोगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स, राइट। इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, देखो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत छोटा चीज़ है, पढ़ लेना, कांस्टेंट, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैंने इसमें कराया है, मोशन इन ए प्लेन प्रोजेक्टाइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लेन प्रोजेक्टाइल, ठीक है, 12 लेवल से पढ़ते आ रहे हो, कॉन्स्टेंट मोशन, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोशन अंडर इम्पल्सिव फोर्स, ये जो है ना मोस्टली 12th क्लास के हैं, ठीक है, के प्लस ला, और बहुत फैमिलियर हो आप पहले से, बिल्कुल आपसे बनेगा, ऑर्बिट अंडर सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है, ये आप जरूर देख लेना, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे नीचे फिर से स्टैटिक्स में भी इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम अंडर पार्टिकल, ठीक है, वर्क पोटेंशियल एनर्जी, फ्रिक्शन, कॉमन कैटेनरी, कॉमन कैटेनरी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, इससे भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बस आप उसी पर जाओ, परेशान आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। फ्लूड्स में इधर बात करें, फ्लूड मैकेनिक्स में तो आप देख लेना यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लूड अंडर सिस्टम ऑफ फोर्सेस, बर्नौलीज इक्वेशन, सेंटर ऑफ प्रेशर, थ्रस्ट ऑन कर्व सरफेसेस, राइट, बस इतना ही। एक प्रेशर ऑफ गैस से कुछ क्वेश्चन एक आध दो आ सकता है, वरना इससे क्वेश्चन उतना नहीं आता, ठीक है। तो अब देखो इतना ही आपको करना है, और आगे नीचे बात कर लेते हैं। चलो पहले वेक्टर एनालिसिस यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो आप देख सकते हो स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स, राइट, वही ये बस डेफिनेशन होता है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रिपल प्रोडक्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, सब आप क्लास 12 में पढ़ चुके हो, बीएससी सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हो, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन इन कार्टेजियन, सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, देखो एक्चुअली ये तो लिख दिया है, लेकिन ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, एक्चुअली जो क्वेश्चन आता है ना वो सिंपली आपका डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल से आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल प्रोडक्ट से आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर से आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं आपको करना है, आप इनको करके जाओ श्योर। देखो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कोशिश करता है ये लोग कि ऐसा क्वेश्चन दें कि थोड़ा नया टाइप का फील हो, बट बस सिर्फ नया फील होगा आपको, फॉर्मूलाज वही लगेंगे, एप्लीकेशन वही होगा, तो कोई मुश्किल नहीं होने वाला, ठीक है, जरूर देख लेना। उसके बाद अब उसके बाद थोड़ा सा आप ऐड करना चाहते हो तो आप चाहो तो गॉस स्टोक्स को ऐड कर लेना, ग्रीन्स आइडेंटिटी को, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट जोन है मैं वहाँ उससे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब मैं जिसको नहीं ले रहा ना, तो याद रखो कि अगर बहुत हुआ होगा तो एक क्वेश्चन उससे आएगा, वरना चांस ही नहीं है क्वेश्चन आने का, तो बिल्कुल आपको बिंदास रहना है। अलजिब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, अलजिब्रा लीनियर कॉम्प्लेक्स, मैंने पहले भी आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ये तीन पिलर बुक कहलाते हैं, ठीक है। अलजिब्रा यानी एब्स्ट्रैक्ट अलजिब्रा है, ये देखने में छोटा सिलेबस है लेकिन क्वेश्चन काफ़ी फ्रीज करता है, ठीक है। इसमें आपको ग्रुप्स जानना है, सब ग्रुप्स, नॉर्मल सब ग्रुप जानना है, राइट। होमोमोर्फिज्म ऑफ ग्रुप से क्वेश्चन उस तरह का नहीं आता, बट ये चूंकि क्या है, एक पैरेलल जो है कह सकते हैं टॉपिक है, जो बहुत सारे एरिया को कवर करता है, इसलिए इसको दिया हुआ है। क्वोशिएंट ग्रुप ये सब नाम का लिखा है, बट ये क्या है आगे चल के बहुत इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फिर साइलोस थ्योरम, परमुटेशन ग्रुप, कैलेज थ्योरम, राइट, फिर अभी जो रिंग एंड आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, UFD यानी डिफरेंट तरह के जो डोमेन्स होते हैं, UED, ठीक है, फील्ड एक्सटेंशन। तो देखो ये बस सिलेबस लिखा हुआ है, लेकिन इसमें है बहुत सारा चीज़, ठीक है। इसमें देखेंगे तो जिस तरह से जो क्वेश्चन आता है, जो ODT से क्वेश्चन आता है, डिफरेंट तरह के ग्रुप्स, बस ये ग्रुप्स लिखा हुआ है, लेकिन आपको बहुत तरह का ग्रुप जानना चाहिए। साइमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, अल्टरनेटिंग क्या होता है, डायहेड्रल क्या होता है, राइट, क्वार्टरनरी ग्रुप क्या होता है, किलिंस फोर ग्रुप क्या होता है, अबेलियन क्या होता है, नॉन अबेलियन क्या होता है, साइक्लिक क्या होता है। तो यहाँ पे देखो साइक्लिक ग्रुप कहीं भी नहीं लिखा, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साइक्लिक ग्रुप से आते हैं। तो ये मैंने आपको खरीद दिया है, ये देख करके पता नहीं चलेगा, क्योंकि जैसा ये देखने में लग रहा है वैसे ये छुपा रुस्तम है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इससे फ्रीज होता है, तो इसको थोड़ा सा आपको वो कोर्स के अकॉर्डिंग आपको लेना है। बाकी मैंने हाईलाइट कर दिया है जिन टॉपिक से क्वेश्चन टच किया जाता है, यहाँ पे एक्सटेंशन वाला को मैं हटा देता हूँ, इससे टच नहीं किया जाता, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और बाकी रिंग में तो बहुत छोटा सा लिख दिया है, तो इससे बहुत सारे जो है रिजल्ट्स आते हैं, बट है बड़ा बुक है ये, ठीक है, बहुत तरह का क्वेश्चन कवर कराता है। तो जो कंटेंट है उस पर आप जाना, यहाँ पे पूरा सिलेबस को अच्छे से लिखा नहीं गया। अच्छा एक बात मेरे को और ये सिलेबस देख के याद आई, इसमें आपका लीनियर अलजेब्रा में, लीनियर अलजेब्रा में कहीं पर भी आपको LT नहीं लिखा,
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिखा, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा है कि इससे चार क्वेश्चन आया है 2018 के एग्जाम में, ठीक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसमें भी नहीं लिखा हुआ है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आपको जरूर पढ़ के जाना है। और मेरे देखोगे ना कोर्स में तो बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ईजी होता है भाई, 2 दिन का है, अगर आप करने जाएंगे तो बिल्कुल करके जाइएगा, ठीक है। ये भी एक छूट रहा था तो मैंने इसको भी डाल दिया, सिलेबस याद आ गया मेरे को। तो देखो सिलेबस एक होता है ना कि उसको उठा के डाल दिया जाता है जो एक जनरल पैटर्न चल रहा है, बट क्वेश्चंस जहाँ से फ्रीज होते हैं वो एक अच्छा एक्सपीरियंस वाला आदमी जानता है, जैसे मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगेन देखो भाई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देखने में छोटा है बट छुपा रुस्तम है, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। एनालिटिक फंक्शन आना चाहिए आपको, कुशी रीमा इक्वेशन आना चाहिए, कुशी का थ्योरम आना चाहिए, ठीक, कुशी इंटीग्रल फार्मूला आना चाहिए, पावर सीरीज आना चाहिए। अब इसमें देखो टेलर और लॉरेंज का क्या काम है, तो आपको पता है कि इससे सिंगुलरिटी अपेक्षा निकाल सकते हो, ठीक है। सिंगुलरिटी निकालने में काफ़ी हेल्प करता है, तो ये सीरीज को उसी के व्यू से देखना, ऐसा नहीं कि आपको सीरीज निकालने पूछेगा, नहीं। टेलर और लॉरेंज सीरीज का काम क्या है, सिंगुलरिटी फाइंड आउट करने में, तो उस एंगल से आप देख लेना इसको, ठीक है। सिंगुलरिटीज हो गया, कोसी रेसिड्यू थ्योरम हो गया, कॉन्टूर इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये अब कॉन्फॉर्मल मैपिंग से उतना सारा क्वेश्चन नहीं आएगा, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से भी चांस बहुत कम है, बस इसको आप पढ़ लो, बहुत ही अच्छा बुक है ये आपको 12 से 13 क्वेश्चन तो जरूर देगा, ऐसे इससे 15 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, राइट। तो देखो मैंने जो टेस्ट सीरीज आपको दिया है ना उसको भी मैं उस पर भी मैं बात करूंगा, उससे आपको प्रॉपर आइडिया होगा, इतना आप जरूर पढ़ के जाओ। अभी मैं आपको बात कर लूँगा, आप बोलोगे बहुत सारा टॉपिक हो जा रहा है, अभी लास्ट हम लोग को फाइनल करना बाकी है, अभी मैं आपको सिलेबस को फिल्टर कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, ऑपरेशन रिसर्च में LPP देख लेना भाई, ठीक है। इसका बेसिक सोल्यूशन क्या होता है, फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है, सब आपको डेफिनेशन और स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट है, इसको आप जरूर देख लेना, ठीक है। ग्राफिकल मेथड ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है, ये भी देख लेना। ग्राफिकल भी सिंप्लेक्स थोड़ा लंबा होता है, चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। ड्यूअलिटी एक छोटा चीज़ देख लेना। ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम ये आप देख लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे ना तो क्वीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। इधर से आप सिक्वेंसिंग प्रॉब्लम देख सकते हो जिसमें मशीन प्रॉब्लम आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके लिए डाल दिया है, ठीक है, और बाकी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिंदास तरीके से तैयारी करना है आपको। आगे देखो मैथमेटिकल मॉडलिंग है, ये तो सबसे बड़ा सिलेबस लगा के रखा है, लेकिन इससे सबसे कम क्वेश्चन आया था, इस बार भी 4 से 5 ही क्वेश्चन आएगा। आप चाहो तो इसको पूरा भी रख सकते हो ठंडे बस्ते में, ठीक है, अगर आपने भी स्ट्रेटेजी प्लान नहीं किया तो। मैं भी आपसे बात करूंगा डिटेल में, और अगर आपने पूरा पढ़ लिया है और आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग भी पढ़ना है तो आप इसको पढ़ लो। डिफरेंस और डिफरेंशियल इक्वेशन से जो ग्रोथ मॉडल तैयार होता है, सिंगल स्पेसीज होता है, मल्टी स्पेसीज भी होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल होता है, ठीक है। इसमें ये देख लेना, एज स्ट्रक्चर मॉडल है इसमें इंपॉर्टेंट है, एपेडेमिक मॉडल भी इंपॉर्टेंट है बट यहाँ पे शायद लिखा नहीं है, और वेरी इंपॉर्टेंट है तो जो नहीं लिखा उसको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद देखो हाई ऑर्डर लीनियर मॉडल में डिटेक्शन फॉर द डायबिटीज़, देखो ये सब के लिए ना बहुत सा बायोलॉजी का आपको प्रॉपर आइडिया चाहिए, और वो हमारे पास में रहता नहीं है, इसलिए क्वेश्चन भी फ्रीज नहीं किया जाता। एक जनरल सर्वे के आधार पर या कह सकते हैं जो जनरल साइंस का क्वेश्चन होता है ना वो पूछ दिया जाता है, तो बहुत लेकिन इसको परेशान नहीं होना, ठीक है, तो इसको आप स्किप करो। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नॉन लीनियर पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में आपको प्रे प्रेडेटर मॉडल इंपॉर्टेंट है, एपिडेमिक मॉडल यहाँ पे देखो दिया है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। अर्बन वेस्ट, अब इसको अगर आप देखोगे ना तो ये क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आपको जनरल साइंस का आ सकता है, ठीक है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट एक कोर्स ही है ये वाटर मैनेजमेंट एंड प्लानिंग मॉडल, वो आपको नहीं आएगा, आप सारी चीज़ें नहीं जानते होगे, तो उससे क्या है वेस्ट वाटर को आप कैसे जो है किस तरीके से सिक्योर कर सकते हो, क्या मतलब कि उसको रीयूज करने का तरीका, तो ये GS टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, अगर आता भी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, राइट। ये हो गया, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट, यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, कर्व्स एंड सरफेसेस इन 3 डायमेंशन, बस ये देखो लिखा हुआ है, एक्चुअली इसके एप्लीकेशन में आता है, इसको आप मत लेके पढ़ जाना, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ टाइप, ये जो आपका लैग्रेंजेस का एक्सेक्टली इक्वेशन दिया हुआ है, ये हो गया। यहाँ पे ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पफाफियन डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि मैंने सब आपको पढ़ाया है, राइट। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसको आप देख सकते हो, राइट। यहाँ पे फिर आपका चैरपिट्स मेथड ऑफ सॉल्यूशन देख सकते हो, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विथ कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बाकी जो है पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा और चांसेस क्वेश्चन के बहुत कम हैं, तो इसलिए मैं इतना ही हाईलाइट कर रहा हूँ, इतना को आप पढ़ लो, इससे 80% 90% क्वेश्चन आपका बन जाने वाला है। नेक्स्ट देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में लोग देखेंगे क्या है,
प्रोबेबिलिटी में जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तो क्लास 12 से ये आ जाता है टच में, तो आप इसमें जो इम्पॉर्टेंट है उसको कवर कर लेना। जैसे ये सब तो भाई पहले से जानते हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट सैंपल सब बस लिख दिया है सिलेबस में, ठीक है। तो इक्वली जो एक्चुअली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं अगर आपको देखूँ तो देखो वो यहाँ पर आपका आ जाता है, जैसे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, इसको तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में, ये आप देख सकते हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इससे भी चांस नहीं है। क्वेश्चन देखो यहाँ से ज़्यादा बनेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये आप देख लेना क्लास 12 का है, राइट। बायस थ्योरम ये भी आप देख लेना, इंडिपेंडेंस और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का पूरा ये कवर करता है, राइट। तो डिफरेंट कंडीशन में क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है ये आपका यहाँ पे देख लेना, ठीक है। इसके बाद आप बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल में ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, ज्वाइंट एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ये आप देख लेना। इसके एमसीक्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज मैंने कराया, बस सिर्फ रिजल्ट का यूज़ है। अगर आप पूरा इसका थ्योरम करने जाओगे तो काफ़ी टफ लगेगा, सिर्फ रिजल्ट यूज़ करके आपको काम करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ना, तो यहाँ पे देखो सिलेबस जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से अगर आप खोजोगे तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें ये हैं जो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 2018 का उसके अकॉर्डिंग, कि ये जो क्वेश्चन उठाता है आपको कुछ 12 लेवल का, ठीक है, कुछ आपको बीएससी लेवल का, और जो 80% क्वेश्चन है ना वो इसी एरिया से है। ऊपर वाला तो बस ऐसे ही डिफिनेशन वगैरह है, वहाँ से तो क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आना है वो इसी से आना है, आप इसी के अकॉर्डिंग तैयार करो, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी में आप 10 क्वेश्चन काफ़ी इजिली कर लोगे, मुश्किल नहीं है, बहुत सारे मैंने एमसीक्यूज करा दिए। तो इस तरह के सिलेबस में ना एमसीक्यूज देखना कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको कराया है तो उसको आप जरूर देख लेना, जो भी मैंने आपको कराया है प्रोबेबिलिटी में सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर फिल्टर होना मुश्किल है क्योंकि बहुत क्लियर लिखा नहीं है, ठीक है। जो लिखा है वो हमारे काम का बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो बस लिख दिया है एक्सपेक्टेशन मीन वेरियंस, तो जो है ये आपका डेटा जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रैंडम वेरिएबल के लिए, कंटिन्यूअस के लिए, तो ये सब जो है मैंने करा दिया है वो आप वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद हम लोग क्या है, मैकेनिक्स एंड फ्लूड डायनामिक्स। यहाँ से आप देखोगे तो देखो ये भी ना थोड़ा इसको अलग किया है, तो एक्चुअली जो ये आपका बीएससी का सिलेबस है फिजिक्स का, वहाँ से उठा करके डाल दिया है, ये एमसीक्यू जोन में नहीं आता, राइट। डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, लैग्रेंजेस इक्वेशन, आपको सिर्फ ये तो नहीं पूछेगा कि इक्वेशन होता है, आज इनका एप्लीकेशन थोड़ा सा लेंदी होता है तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्जिया, ये इससे क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल रिजल्ट क्वेश्चन आया था 18 में भी, तो उसी तरह का क्वेश्चन आएगा, मोमेंट ऑफ रिजिड बॉडीज इन टू डायमेंशन, जिसे मैंने आपको बताया है, यहाँ पर रोलिंग स्लाइडिंग वाले केसेज आ जाते हैं, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्जिया के जो यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे अगर देखोगे तो इसको कवर करने जाओगे ना, इस पोर्शन को कवर करने के लिए आपको बस जो है बहुत तरह का थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उतना थ्योरी पढ़ने के बाद आप यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। हाँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आ सकता है, ये वाला तो खैर आसान सा पोर्शन है, इसको लिख लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इस पूरे को स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही चलना, ठीक है, वैसा ही देखना, आप एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, इसके बाद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात करेंगे, तो ये ग्राफ थ्योरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगेन चूंकि पिछले बार भी इससे जो है 10 क्वेश्चन आया है और ईजी होता है, और अगर आप सिलेबस कवर कर लोगे ना तो इसके क्वेश्चन ईजी होते हैं, तो ये ज़रूर आप देख लेना, ठीक है। कनेक्टेड बाई बाई पार्टिड ग्राफ, आइलेरियन हैमिल्टनियन ग्राफ, प्लेन ग्राफ, आइलर्स थ्योरम, प्लेन ग्राफ, फाइव पोलर थ्योरम, राइट मैरिज थ्योरम, तो ये बहुत ही इजी है, बिल्कुल इसको देख लेना, ठीक है। इसको स्ट्रेटेजी भी जरूर शामिल करना आप। लॉजिक्स की बात करेंगे तो लॉजिक्स में अगेन देखो लॉजिकल कुछ कनेक्टिविटीज़ जो है वो कनेक्टिव्स है वो देख लेना, क्वांटिफायर्स, ठीक है, ये सब आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, तो सबसे उतना क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ ट्रुथ टेबल कोई आपको पूछ सकता है, ठीक है, टॉटोलॉजी से क्वेश्चन आ सकता है, बुलियन अलजेब्रा से, लैटिसेस से क्वेश्चन आएगा, ओके। और फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन नहीं आता, राइट, तो यहाँ पे आप इसको स्किप कर सकते हो। जो डिज़ाइन है, जो गेट्स वगैरह हैं, लॉजिक गेट्स वगैरह हैं, वो सब आप देख लेना, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लॉजिक गेट्स से तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। डिजिटल नेटवर्क में एक्चुअली जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है आपका बाइनरी टू डेसिमल, जो हर साल आता है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं बट उससे 2 क्वेश्चन आया था, फिर इस बार भी आ सकता है, ठीक है। तो बाइनरी टू डेसिमल हो गया, लॉजिक गेट्स हो गए, गेट्स के यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज़ हो गए, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट गेट्स के कंस्ट्रक्शंस हैं तो उन्हीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इससे भी 4 से 5 ही क्वेश्चन आया था, इस बार भी उतना ही आएगा, बहुत बड़ा बुक नहीं है, ओके। तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया, स्ट्रेटेजी पूरा मैंने फिल्टर कर दिया, ठीक है। देखो फिल्टर करने के बाद ये देखोगे सिलेबस आपका ना आधा से भी कम हो गया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आपका हट गया है, ठीक है, अगर आप ऐसे देखते हो तो। अब ये है कि अभी आपके मन में आएगा कि ये भी तो बहुत लंबा है, इतना भी कवर करने का टाइम क्या है 50 दिन में, तो देखो 50 डेज में मैं इतना पूरा कवर करने आपको नहीं बोल रहा, मैं आप चलता हूँ वापस से, ठीक है। लास्ट 50 डेज है ना, ठीक है, लास्ट 50 डेज जो हमारे पास में है अबाउट, इसकी अगर मैं बात कर लूँ तो मैं आपको पूरा पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा,
राइट, मैं आपको पूरा पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा, मैं अब अभी भी मेरा जो अपना सिंपल सा मेरा स्ट्रैटेजी है क्या है, देखिए आपको ना एक्सपर्ट बनना है, ठीक है। आप किसी भी टॉपिक को उठाते हैं तो चूंकि इसका लेवल अच्छा होता है तो गेट एक्सपर्टीज, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको जो है एक्सपर्टीज़ हासिल करनी पड़ती है, जब भी आप उसके क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। तो अभी भी मैं आपको बताऊं और ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूं कि आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए किसी भी आप 5 टॉपिक्स को सेलेक्ट कीजिए, सबसे पहला तरीका यही होता है, ठीक है। और एक टारगेट सेट कर लीजिए कि आपको इसको कितने दिन में करना है, जैसे मान लो अभी 50 डेज है तो आपको 30 डेज में इसको करने का पूरा कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि 20 डेज के लिए फिर अलग से स्ट्रेटेजी आएगी। तो आप 5 टॉपिक्स को सिलेक्ट करो, अगर आपको 30 डेज में 5 टॉपिक्स कवर नहीं होते तो आप 3 ही टॉपिक्स को कवर करो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ने का देखो यही तरीका है, आप जब तक पूरा टॉपिक कवर नहीं करोगे, जितना मैंने अभी फिल्टर करके दिया उतना नहीं पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप एक दो क्वेश्चन बस उसके देख करके जाओगे तो वैसे आपको समझ में भी नहीं आएगा। हाँ, पहले से आपका किया हुआ है, जिनका पहले से सब कुछ किया हुआ है वो अब इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, और इसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जो यहाँ पे फ्रेश प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अभी ही उनको लगा कि नहीं यहां से करना चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं। तो वो पहले टॉपिक सिलेक्ट करें, 5 नहीं कर सकते तो 3 करें, 30 डेज का टारगेट बनाएं, और जो मैंने अभी फिल्टर करके दिया है, ठीक है, इन सारे फिल्टर सिलेक्टेड जो मेरे पोर्शन हैं, इन सारे पोर्शन को आपको क्या करना है, इन सारे पोर्शन को आपको अच्छे से स्टडी करना है। मतलब इसका आपको कंटेंट क्लैरिटी, जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का लेक्चर है वो भी देखना होगा, उसको भी करना पड़ेगा, साथ में आपको MCQs जो उसके मैंने बताए हैं वो भी आपको करने पड़ेंगे। इस तरीके से याद रखो आपका 3 या 5 टॉपिक हो जाता है ना, और इसमें सिलेक्शन में आप ध्यान देना कि इंपॉर्टेंट बुक को आप जरूर शामिल करो, लाइक जैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक जो है वो आपका लीनियर हो गया, फिर आपका कॉम्प्लेक्स, इसमें से कोई बुक आप जरूर लो। फिर तो ये सबको प्रायोरिटी लेवल पे आप लो ये सारे बुक्स को, इसमें से आप कोई 3 या 5 को फोकस करके करो, ठीक है। ये सब आपको ज़्यादा क्वेश्चंस देंगे एग्जाम में, और इनके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। जब इनके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिएगा और अपना टारगेट को पूरा करने का कोशिश कीजिएगा ना, याद रखिए अंतिम का 10 और 20 दिन ऐसा ही है जैसे अंतिम का 10 और 20 बॉल होता है क्रिकेट में, ठीक है। आप देखे हो ना कि कभी कभार अंतिम के 10 और 20 बॉल में जो है उतने रन बन जाते हैं जितने 10 ओवर में नहीं बनते, तो ऐसा बिल्कुल होता है, ठीक है। आज का लास्ट का 10 डेज में मैं आपको बिल्कुल जो है उस तरह का फिल्टर करके बता दूंगा, या जो बिल्कुल ईजी बुक्स है जैसे हम लोग लॉजिक्स की बात करें तो लॉजिक्स आपका 2 से 3 दिन में हो जाएगा, 2 ही दिन काफ़ी सफिशियंट है। उसके बाद आप मॉडलिंग को एक बार देख लोगे तो इसका आप 2-3 क्वेश्चन कर पाओगे, राइट हो गया। प्रोबेबिलिटी को आप बहुत जल्दी कर सकते हो, तो ये सब बुक आपका फिर काफ़ी जल्दी जल्दी होगा, राइट। इसी तरीके से आपका ये ऑपरेशन रिसर्च वो भी काफ़ी जल्दी हो जाएगा, तो ये सब आप लास्ट टाइम ही भी कर लोगे। तो याद रखो कि एग्ज़ाम के सुबह सुबह तक भी हम लोग पढ़ करके रिवीजन करते चलते हैं, तो जो भी आपको पढ़ना है उसको आपको प्रॉपर रिवीजन भी करते जाना, याद रखिएगा, ठीक है। आपको पढ़ना भी है और अब रिवीजन भी करना है, रिवीजन को हमको पूरा टाइम देना है, क्योंकि रिवीजन से ही क्या बनता है, स्पीड बनता है, और इसी से जितना अच्छा रिवीजन रहेगा उतना आप भूलेंगे नहीं, तो आपकी एक्यूरेसी भी उसी से आएगी। तो स्पीड और एक्यूरेसी को हम लोग किससे मेंटेन करने वाले हैं, रिवीजन से मेंटेन करने वाले हैं। तो रिवीजन कीजिए, ठीक है, अभी भी टारगेट बना करके चलिए, और जब एडमिट कार्ड अनाउंस हो जाएगा, डेट अनाउंस हो जाएगा, तो उस वक्त भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, वरीड नहीं होना है, राइट। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सब करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज जरूर देना है, मेरा टेस्ट सीरीज मेरा आपको जरूर देना, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। हर बच्चे को टेस्ट सीरीज देना है, इससे आपको प्रॉपर आइडिया होगा ना कि आप कितना गेन करोगे, ठीक है। एग्जाम से पहले जो नर्वसपन है, जो भी डर है, जो भी हिचकिचाहट है, सब ये दूर करेगा आपको, ठीक है। और इसमें भी 1200 क्वेश्चन है, अगर मैं पूरे टेस्ट की बात करूँ, चूँकि आपको पता है इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, राइट। फिर उसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट है पूरा 3 घंटे का, और उसके बाद अंतिम में आपको लाइव टेस्ट भी होने वाला है 2 संडे, एग्जाम से पहले जो 2 संडे होगा उसमें भी मैं लाइव टेस्ट लूँगा, बिल्कुल जैसा JSCC में होता है। तो ये आपको लगभग 1200 क्वेश्चन को कवर करता है, इन सारे के मैंने अब सॉल्यूशन भी आपको दे दिया है, ठीक है। मतलब जैसे ही आप अटेम्प्ट को कंप्लीट करोगे आप सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देख पाओगे, तो आपको ये अलग से कॉन्फिडेंस देगा। 1200 क्वेश्चन मायने रखता है अगर आप इस तरीके से करके जाते हो, तो आपका कोर्स किया हुआ रहेगा। तो अभी भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मान लो ये सब करना चाहते हो तो कैसे आप कर सकते हो, तो ये तो आप कोर्स मेरा बाई जरूर कर लो, और अभी तो बहुत अच्छा हो गया। अगर आप 1 मंथ का करोगे तो आपको सिर्फ 2500 में मिलेगा और पूरा सिलेबस खुल जाएगा, ये जो PGT एडवांस वाला मेरा कोर्स है, ठीक है। तो पूरा सिलेबस खुलता है, 1 महीने के लिए लोगे तो 2500 रुपये का है, 3 महीने के लिए 5000 रुपये का है, पूरा साल के लिए लोगे और नेट निकालना चाहते हो तो 9000 रुपये में मिल जाता है। तो आप अगर इसको भी ले लेते हो और 1 मंथ के लिए टारगेट सेट करते हो, तो ये 3 मंथ का ले लेते हो 5000 में, तो काफ़ी अच्छे से आप सिस्टमेटिक लर्निंग कर पाओगे। या देखो ये सब
स्मार्ट लर्निंग का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी आप कवर भी कर पाएंगे। तो आपको एक शेड्यूल बना लेना है, अब हमको कोई काम नहीं है, थोड़ा काम का माइनस कीजिए और एक शेड्यूल से पढ़िए जिसमें आपका टॉपिक का कंटेंट ऐड हो, MCQs प्रैक्टिस भी हो, राइट। और MCQ का तरीका यही होता है ना, हड़बड़ाइए मत MCQ में, बस हम देख लें इसका सोल्यूशन, नहीं, बल्कि आप उसको खुद से तैयार करें, खुद से कोशिश करें करने का, आपसे होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस होता है, याद रखिए, अगर आपको 10 दिन में कॉन्फिडेंस आ गया ना तो आप ये एग्जाम निकाल लोगे, ठीक है। और अगर आपको किसी को अगर 100 दिन में भी कॉन्फिडेंस नहीं आया तो वो एग्जाम नहीं निकाल पाएगा। तो कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट होता है, अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि नहीं अब मेरा हो जाए, तो बस लग जाइए, ठीक है। कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, मैंने फिल्टर करके दे दिया है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगता है, आप कम से कम 3 या 5 टॉपिक को टारगेट करो और इस तरीके से पढ़ते जाओ, डेफिनेटली आपका काफ़ी अच्छा एग्जाम में होगा, ठीक है। तो मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूँगा और मेरे यूट्यूब पर भी आप हमेशा जो है कनेक्टेड रहना, टच में रहना, क्योंकि उस पर वहाँ से भी आप अच्छा रिविज़न कर सकते हो। आपने पूरा पढ़ा हुआ है तो मैं डेली बेसिस पर कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँ। आपके जो डाउट्स होते हैं, जो बच्चे डाउट्स पूछते हैं, तो कुछ डाउट तो मैं इंस्टेंट बता देता हूँ, लेकिन कुछ अच्छे डाउट्स होते हैं जो डिस्कस करने वाले होते हैं तो वो मैं डिस्कस करता हूँ यूट्यूब में डेली। उसको अगर आप देखोगे तो ज़्यादा लेंदी नहीं बनाता, 5-10 मिनट का बनाता हूँ ताकि आपको वो देखने में टाइम ना लगे और एक आपका रिवीजन हो जाए। और वहाँ पे कुछ मोटिवेशन भी रहता है और कुछ स्किल भी रहता है कि किस तरीके से आप में जो है जल्दी बनाने का जो है स्किल आ जाए, राइट। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं और मैं आपसे करता ही रहूँगा। कोई आपको क्वेरी हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसे अगर आप लिखोगे MSC लर्न ऑनेस्टली तो आपको मेरा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। पढ़ते रहिए, ठीक है, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और रूटीन के हिसाब से ऑनेस्ट प्रिपरेशन कीजिए, स्मार्ट प्रिपरेशन कीजिए। डेफिनेटली ये जो एग्ज़ाम हो रहा है ना वो आप ही के लिए हो रहा है, आप टीचर बन के रहेंगे, ठीक है।